Seni tek tek onca ayakkabı. İlgisi misin? Maşallah, maşallah. Thank you. I really appreciate it. Thank you. सलमान खान का स्वैग दिखा दुबई के मॉल में। अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए भाईजान नजर आए एक पब में भी। It's a nice place. क्या फिल्म की सक्सेस के लिए सलमान खान दिन रात कर रहे हैं मेहनत? सलमान खान की लेटेस्ट रिलीज किसी का भाई किसी की जान को मिला मिक्स रिस्पॉन्स ऑन सोशल मीडिया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कमा लिए हैं मोर देन 100 करोड़ रुपीस। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और लगता तो यही है कि भाईजान के फैंस ने कम से कम इस फिल्म को दे दिया है थम्स अप। वैसे सलमान खान फिल्म की रिलीज के बाद भी इस फिल्म को प्रमोट करने का मौका नहीं छोड़ रहे। पिछले कुछ दिनों में भाईजान के पब्लिक अपीयरेंसेस काफी बढ़ गए हैं। हाल ही में सलमान खान को स्पॉट किया गया दुबई के एक मॉल में हैवी सिक्योरिटी के बीच। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान यहां अलोंग विद रणवीर सिंह एक इवेंट के लिए पहुंचे थे और साथ ही भाईजान अपनी फिल्म को लेकर भी वहां फैंस से कर रहे हैं मुलाकात। ये टाइटैनिक या तो नहीं ले रहा? चल आप लोग सब डूब गए, सिर्फ मैं बचा हूँ। इसके अलावा सलमान खान का ये इंटरेस्टिंग वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ सलमान खान अपने ढेर सारे फैंस से मजाक मस्ती करते दिख रहे हैं। साथ ही सलमान खान फिल्म देखने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं। इस फैन इंटरेक्शन के दौरान भाईजान फिर से अपनी शादी ना होने को लेकर मजाक करते दिख रहे हैं। आपकी पत्नी है ना? मेरी नहीं। इस 2 मिनट के वीडियो में सलमान खान अपने फैंस से ये भी पूछते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने फिल्म देखी कि नहीं। किसी का भाई किसी की जान सलमान खान के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फिल्म को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऐसे में अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती तो सलमान खान के स्टारडम पर सवाल खड़ा हो जाता। सलमान खान की इस फिल्म को मिले रिस्पॉन्स ने उन्हें काफी हिम्मत दी होगी और डेफिनेटली अब उन्हें भरोसा होगा कि उनकी टाइगर फ्रेंचाइज की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आप भी हमें बताइए कैसी लगी आपको सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान। गेट अ चांस टू फीचर ऑन जूम टीवी, हो जा जूमिफाई।